हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मेरे आज के वीडियो में जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, ये टॉपिक है नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। प्लस टू मैक्रो इकोनॉमिक्स का नेशनल इनकम का चैप्टर है, जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। सो दोस्तों, ये जो नॉमिनल जीडीपी है, इसको हम जीडीपी एट करंट प्राइस एंड रियल जीडीपी को जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस भी बोलते हैं। ये नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, इसको आइए जरा हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। नॉमिनल जीडीपी उस जीडीपी को बोलते हैं, उस इनकम को बोलते हैं, जो कि करंट ईयर के प्राइस को करंट ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट की जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, एन जीडीपी मींस नॉमिनल जीडीपी, P1 स्टैंड्स फॉर करंट ईयर का प्राइस, 1 का मतलब करंट होता है, 0 का मतलब बेस ईयर, कोई पुराना साल होता है। ये आपने प्लस 1 के इंडेक्स नंबर्स के चैप्टर में भी स्टडी जरूर किया होगा। सो नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू P1 यानी कि करंट ईयर का प्राइस मल्टीप्लाइड बाय Q1 मतलब करंट ईयर की क्वांटिटी। आज जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं, आज यानी कि करंट ईयर के अंदर, प्रेजेंट ईयर के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं, उनकी जो मार्केट वैल्यू है, उनका जो करंट मार्केट प्राइस है, उसी से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो इनकम हमारे पास आएगी उसे हम नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। दोस्तों, नॉमिनल जीडीपी को दो तरीके से इंक्रीज किया जा सकता है, एक प्राइस को इंक्रीज करके और एक क्वांटिटी को इंक्रीज करके। मैंने आपके सामने एक एग्जांपल प्रेजेंट किया है, आइए जरा इस एक एग्जांपल को स्टडी करते हैं। क्यों कर रहा हूं कि किसी भी स्पेसिफिक कंट्री के अंदर 10 यूनिट्स की क्वांटिटी प्रोड्यूस करी गई है और हर यूनिट का प्राइस है ₹10 पर यूनिट। इस लिहाज से अगर इनकम कैलकुलेट करनी है तो हमें इस प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना होगा। ये करंट ईयर का प्राइस है दोस्तों, और ये है करंट ईयर की क्वांटिटी। प्राइस को जब हम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ₹100 की इनकम आ जाती है, जो कि नॉमिनल जीडीपी कहलाती है। अब दोस्तों, अब इस इनकम को अगर हम इंक्रीज करना चाहते हैं तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो प्राइस को इंक्रीज कर दिया जाए या फिर क्वांटिटी को इंक्रीज कर दिया जाए। पहले एग्जाम्पल में मैंने प्राइस को 10 से 12 कर दिया और क्वांटिटी को 10 का 10 ही रखा। इस लिहाज से जब मैंने 12 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा नॉमिनल जीडीपी पहले से इंक्रीज हो गया, 100 का 120 हो गया। मेरे दूसरे एग्जाम्पल में मैंने प्राइस को इंक्रीज ना करके क्वांटिटी को इंक्रीज किया, प्राइस 10 था और 10 ही रखा, जबकि क्वांटिटी को मैंने 10 का 12 कर दिया और इस लिहाज से भी मेरा नॉमिनल जीडीपी 120 आ जाता है। सो दोस्तों, अब हमने इस एग्जांपल में यह देखा है कि नॉमिनल जीडीपी को इंक्रीज करने के दो तरीके हैं, इधर बाय इंक्रीजिंग प्राइस और बाय इंक्रीजिंग क्वांटिटी। लेकिन याद रहे, अगर कंट्री का नॉमिनल जीडीपी प्राइस के इंक्रीज होने से इंक्रीज होता है तो ये वेलफेयर का इंडिकेटर नहीं होता, ये लोगों के ऊपर इन्फ्लेशन की मार होती है, क्योंकि मार्केट के अंदर प्राइसेस बढ़ा दिए गए हैं। प्राइस को बढ़ाकर इनकम को बढ़ाना सही तरीका नहीं कंसिडर किया जाता। लेकिन हां, अगर कंट्री की इनकम गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई के इंक्रीज करने से इंक्रीज की जाती है तो ये वेलफेयर का इंडिकेटर कंसिडर किया जाता है, क्योंकि आम जनता को फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पहले से ज्यादा मिलता है, उनकी ज्यादा जरूरतें पहले के कंपैरेटिवली पूरी हो पाती हैं। सो नॉमिनल जीडीपी क्या इंडिकेटर है या नहीं वेलफेयर का, ये डिपेंड करता है कि नॉमिनल जीडीपी बड़ा कैसे है। अगर तो प्राइस से बड़ा तो ये वेलफेयर का इंडिकेटर नहीं होगा, अगर ये क्वांटिटी से बढ़ता है तो ये वेलफेयर का इंडिकेटर माना जाता है। दोस्तों, इसके बाद हमारे पास है रियल जीडीपी। जिस तरीके से नॉमिनल जीडीपी को हमने करंट ईयर के प्राइस को करंट ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट किया था, रियल जीडीपी के केस में हम बेस ईयर के प्राइस को करंट ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करते हैं। मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं,
रियल जीडीपी कंट्री की ऐसी इनकम होती है जहां पे इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हम बेस ईयर का प्राइस लेते हैं। बेस ईयर क्या होता है? कोई भी पुराना साल होता है जो हमारी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कौन सा साल। ये साल 2015 हो सकता है, 2016 हो सकता है, 2010 हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा पुराना साल जनरली नहीं लिया जाता। कुछ रीसेंट पास्ट का ही साल लिया जाता है जो नॉर्मल ईयर हो, वहां का प्राइस और करंट ईयर की क्वांटिटी। आज के फाइनेंशियल ईयर में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है उस क्वांटिटी को कुछ बेस ईयर के प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। जो इनकम आएगी उसे हम रियल जीडीपी या जीडीपी एट कॉन्स्टेंट प्राइस बोलेंगे दोस्तों। अब अगर हमें रियल जीडीपी को इंक्रीज करना है तो हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है कि हम क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को बढ़ाएं। प्राइस को इंक्रीज करके हम रियल जीडीपी इंक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइस दोस्तों बेस ईयर का है और पिछले साल का प्राइस चेंज नहीं किया जा सकता। हम तो सिर्फ करंट ईयर की क्वांटिटी को ही इंक्रीज कर सकते हैं। सो दोस्तों, ऐसे में अगर रियल जीडीपी बढ़ती है तो ये जनरली इंडिकेटर रहता है वेलफेयर का। मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं कि नॉमिनल जीडीपी तो करंट ईयर के प्राइस को करंट ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे, जबकि रियल जीडीपी बेस ईयर का प्राइस मल्टीप्लाइड बाय करंट ईयर की क्वांटिटी। नॉमिनल जीडीपी को इंक्रीज करने के दो तरीके हैं, इधर बाय इंक्रीजिंग प्राइस और बाय इंक्रीजिंग क्वांटिटी, जबकि रियल जीडीपी को इंक्रीज करने का सिर्फ एक ही तरीका है, ओनली एंड ओनली बाय इंक्रीजिंग क्वांटिटी। अगर कंट्री का नॉमिनल जीडीपी बढ़ता है तो ये वेलफेयर का इंडिकेटर हो भी सकता है, नहीं भी, क्योंकि डिपेंड करता है कि नॉमिनल जीडीपी बढ़ा कैसे। प्राइस की वजह से बढ़ा तो वेलफेयर का इंडिकेटर नहीं है, क्वांटिटी की वजह से बढ़ा तो वेलफेयर का इंडिकेटर है। बट रियल जीडीपी का बढ़ना जनरली वेलफेयर का इंडिकेटर होता है, क्योंकि रियल जीडीपी तो बढ़ता ही क्वांटिटी की वजह से है दोस्तों। सो ये हमने टॉपिक डिस्कस किया नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे हमारे पास कॉन्सेप्ट है जीडीपी डिफ्लेटर, जिसे प्राइस इंडेक्स सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीएलआई, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपने प्लस वन के इंडेक्स नंबर के अंदर भी स्टडी किया होगा, जहां पे हमने पढ़ा था कि कंट्री में इन्फ्लेशन का रेट क्या होगा। इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए प्लस वन में आपने इंडेक्स नंबर्स पढ़े थे अपने स्टैटिस्टिक्स की बुक के अंदर। अब यहां पे आप वही चीज पढ़ेंगे लेकिन कुछ अलग तरीके से। यहां पे हम जीडीपी डिफ्लेटर पढ़ रहे हैं, इसका भी वही ऑब्जेक्टिव है कि मार्केट में इन्फ्लेशन कितनी आई, प्राइस लेवल कितना बढ़ा, ये हम जीडीपी डिफ्लेटर के जरिए जान पाएंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे। ये किस तरीके से कैलकुलेट होता है आइए देखते हैं। सबसे पहले तो मीनिंग लिखा है, इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी। अब फॉर्मूला अगर हम देखें डेफिनेशन से ही कोरिलेट होता है, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100 अगर हम कर देंगे तो हमें जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू मिलती है, और जीडीपी डिफ्लेटर की यही वैल्यू इंडिकेट करेगी कि मार्केट में इन्फ्लेशन कितनी आई। दोस्तों याद रहे, अगर जीडीपी डिफ्लेटर 100 से ऊपर है, से फॉर एग्जांपल जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू 110 आई, तो इसका मतलब मार्केट में 10% प्राइस बढ़ गया। लेकिन अगर जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू 100 से नीचे आई, से फॉर एग्जांपल 90 आई, तो इसका मतलब 10% प्राइस फॉल हो गया। अगर जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू एग्जैक्टली 100 आती है तो मतलब देयर इज नो चेंज इन प्राइस। मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू हमें बताती है कि मार्केट में इन्फ्लेशन कितनी आई है। 100 से ऊपर जितना भी आंसर होगा उतनी ही इन्फ्लेशन होगी, और 100 से नीचे जितनी भी वैल्यू होगी उतनी ही डिफ्लेशन होगी। जबकि 100 अगर आता है तो मतलब मार्केट में कोई भी प्राइस राइज नहीं हुआ। इस कॉन्सेप्ट को हम कुछ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपके पास बहुत ही इजी सा न्यूमेरिकल है, यहां पे लिखा है कि फाइंड आउट द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इफ नॉमिनल जीडीपी इज 660 एंड रियल जीडीपी इज 600।
बहुत ही इजी सा न्यूमेरिकल है। जीडीपी डिफ्लेटर का हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है। जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला है नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू हमें दी हुई है दोस्तों 660, रियल जीडीपी की वैल्यू 600 इनटू 100। सिंपल मैथमेटिक्स लगा के हमने इसे सॉल्व किया और 110 आंसर आ गया। 100 से ऊपर कितना है 10, तो 10% ही रेट ऑफ इन्फ्लेशन हुआ। अपनी नॉलेज को और बूस्ट करेंगे हम कुछ और न्यूमेरिकल एग्जांपल्स की हेल्प से। अब की बार हमें एक टेबल दिया है, 4 डिफरेंट कमोडिटीज दी हुई हैं। इन 4 डिफरेंट कमोडिटीज का बेस ईयर में क्या प्राइस रहा, पुराने साल में क्या प्राइस रहा वो बताया गया है, करंट ईयर में क्या क्वांटिटी है ये बताया गया है, और करंट ईयर में इसका क्या प्राइस है ये बताया गया है। अब दोस्तों हमें बताना है कि जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू क्या है, इन्फ्लेशन कितना आया। तो इसके लिए सबसे पहले हमें नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी कैलकुलेट करना होगा। नॉमिनल जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए मैंने करंट ईयर के प्राइस को करंट ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया। ये आपका कॉलम नॉमिनल जीडीपी की जो वैल्यू आई है 5 × 3 = 15, 10 × 6 = 60, 15 × 9 = 135, 20 × 12 = 240। ये मेरा नॉमिनल जीडीपी आ गया। रियल जीडीपी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, करंट ईयर की क्वांटिटी लेनी है और बेस ईयर का प्राइस लेना है। करंट ईयर की क्वांटिटी, बेस ईयर का प्राइस 5 × 2 = 10, 10 × 4 = 40, 15 × 6 = 90, देन 20 × 8 = 160। इस तरीके से हमने नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी के 2 कॉलम तैयार कर लिए हैं। अब हमें इस नॉमिनल जीडीपी का सम लेना है एंड देन रियल जीडीपी का सम लेना है। ये हमारे पास सम आ चुके हैं। अब जीडीपी डिफ्लेटर का सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा। जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी ओवर रियल जीडीपी इंटू 100। जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला नॉमिनल जीडीपी ओवर रियल जीडीपी इंटू 100। वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर रहा हूं, 450 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100, 150 आंसर आ गया। 150 आंसर का मतलब है 100 से ऊपर 50 है, तो 50% इन्फ्लेशन है इकोनॉमी के अंदर। आइए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास दोस्तों एक और न्यूमेरिकल है। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा ध्यान देना है, समझना है, और मैं भी अपनी पेस को थोड़ा सा रिड्यूस कर देता हूं ताकि बेहतर तरीके से आप इसको समझ पाए। ओनली वन कमोडिटी इज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी, इट्स प्राइस वॉज ₹100 पर यूनिट इन 2015 एंड ₹110 इन 2016। द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इन 2015 वॉज 200 यूनिट्स, वाइल इन 2016 इट वॉज 220। दो साल 2015 और 2016 का जिक्र किया गया है और इन दोनों सालों में एक ही कमोडिटी प्रोड्यूस करी गई है। इस कमोडिटी का प्राइस 2015 में तो बोला गया 100 रुपए था और 2016 में 110 रुपए हो गया, यानी कि अगले साल 10 रुपए प्राइस बढ़ गया। 2015 में 200 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए थे और 2016 में 20 यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हुए। बोला जा रहा है 2015 को बेस ईयर माने और बताएं नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में कितना परसेंट चेंज आया। तो सबसे पहले तो दोस्तों देखिए हमें गिवन क्या है, हमें ईयर गिवन है 2015 और 2016 का, राइट। अब हमें प्राइस भी गिवन है कि 2015 में तो 100 रुपए प्राइस था और 2016 में 110 रुपए प्राइस हो गया, और साथ ही हमें क्वांटिटी भी गिवन है। यहां तक मैंने कुछ नहीं किया, यहां तक सिर्फ मैंने ऊपर के क्वेश्चन को इंटरप्रेट करके वैल्यूज को मैंने यहां पे मेंशन कर दिया। अब हमें यह अगर पता लगाना है कि नॉमिनल जीडीपी में कितना परसेंट चेंज आया, रियल जीडीपी में कितना परसेंट चेंज आया, तो मुझे पता होना चाहिए कि इन दोनों सालों के अंदर नॉमिनल जीडीपी या रियल जीडीपी की वैल्यू क्या है। सबसे पहले नॉमिनल जीडीपी निकालते हैं, मतलब करंट ईयर का प्राइस मल्टीप्लाई बाय करंट ईयर की क्वांटिटी, 100 × 200। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये 20,000 आ जाता है। 110 × 220 तो यहां पे 24,200 आ जाता है। इस तरीके से नॉमिनल जीडीपी आ गया। रियल जीडीपी के लिए
करंट ईयर की क्वांटिटी बेस ईयर का प्राइस, बेस ईयर तो 2015 है, सो करंट ईयर की क्वांटिटी बेस ईयर 2015 ही है, 200 मल्टीप्लाइड बाय 100 ये हमें 20,000 देगा, फिर 220 अब की बार हमें इससे मल्टीप्लाई नहीं करना, बेस ईयर तो यही है फिक्स्ड करना है, 200 को भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 220 को भी 100 से, 220 मल्टीप्लाइड बाय 100 22,000। दिस वे वी हैव कैलकुलेटेड नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। अब बड़ा सिंपल सा मैथ्स लगाना है हमने यहां पे, सिंपल सा मैथ्स कहता है कि नॉमिनल जीडीपी में कितना परसेंट चेंज आया, रियल जीडीपी में कितना परसेंट चेंज आया। अगर हम परसेंटेज चेंज बताना चाहते हैं, कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू इनटू 100। रिपीट कर रहा हूं, परसेंटेज चेंज निकालने के लिए फॉर्मूला होता है न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू इनटू 100। इस तरीके से आप देखेंगे जब ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया, परसेंटेज चेंज इन नॉमिनल जीडीपी, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, न्यू वैल्यू जो कि 24,200 है माइनस ओल्ड वैल्यू जो कि 20,000 है डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू जो कि अगेन 20,000 है इनटू 100। सिंपल मैथमेटिक्स लगा के मैं अगर इसको सॉल्व करता हूं तो मेरा आंसर 21% आता है, तो मतलब नॉमिनल जीडीपी के अंदर 21% का चेंज आया है। ठीक इसी लॉजिक को फॉलो करते हैं रियल जीडीपी का परसेंटेज चेंज निकालने के लिए। हम देख रहे हैं कि यहां पे न्यू वैल्यू 22,000, ओल्ड वैल्यू 20,000 डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू 20,000 इनटू 100। इस तरीके से रियल जीडीपी का जो चेंज है, रियल जीडीपी का जो इंक्रीज है वो 10% आया है दोस्तों। आई बिलीव ये आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास क्वेश्चन है कि ये इंफॉर्मेशन आप लोगों को गिवन है, ईयर 2014, 15 एंड 16 तीन साल का डेटा गिवन है और हर साल का नॉमिनल जीडीपी भी गिवन है। नॉमिनल जीडीपी तीनों सालों का गिवन है, तीनों सालों का जीडीपी डिफ्लेटर गिवन है और क्वेश्चन बोला गया है आपको कि किस साल में रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू एक दूसरे के बराबर होगी। रिपीट कर रहा हूं, इनमें से किस साल में नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी एक दूसरे के बराबर होंगे। हम एक काम करते हैं, हमें जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला तो दोस्तों पता ही है, जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी ओवर रियल जीडीपी इनटू 100। ये फॉर्मूला अभी अभी हमने सीखा, तो जीडीपी डिफ्लेटर हमें 100 गिवन है, ये हमने 100 लिखा, और नॉमिनल जीडीपी हमें 6.5 गिवन है जो हमने 6.5 लिखा, रियल जीडीपी हमें नहीं गिवन तो उसकी जगह मैंने आर जीडीपी ही लिख दिया इनटू 100। सिंपल मैथ्स लगाई तो मेरा आर जीडीपी भी 100 आ गया, तो मुझे यहीं से पता लग गया कि फॉर 2014 मेरा आर जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी ये दोनों सेम होंगे। अब उसके बाद बोला गया कैलकुलेट रियल जीडीपी फॉर द गिवन इयर्स, इन सभी के लिए हमें रियल जीडीपी कैलकुलेट करना है, तो मैंने हर बार यही फॉर्मूला लगा के नीचे वाले आर जीडीपी की वैल्यू निकाल ली। पहले तो मैंने जो जीडीपी डिफ्लेटर नॉमिनल जीडीपी ये वाले यूज किए थे, फिर सेकंड केस में आप नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी की वैल्यूज को चेंज कर दोगे तो आपका आर जीडीपी 6 आएगा। फिर थर्ड टाइम आपको दोबारा सॉल्व करना होगा, फॉर्मूला यही यूज करेंगे बट एनजीडीपी की वैल्यू 9 कर दीजिए और जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू 100 की जगह 125 रख दीजिए तो आपका आर जीडीपी 7.2 आ जाएगा। इस तरीके से हमारा बी पार्ट सॉल्व हो जाता है कि ये जो जितने भी इयर्स गिवन है इसका आर जीडीपी निकाल के दिखाइए। सिंपल फॉर्मूला यूज करते हुए हमने सबका आर जीडीपी निकाल लिया। सी पार्ट में क्या बोला गया, सी पार्ट में बोला गया क्या कोई ऐसा साल है जहां पे आर जीडीपी गिरा हमें साफ दिख रहा है। जी हां, 2015 के अंदर आर जीडीपी की वैल्यू गिरी है क्योंकि 2014 में ये वैल्यू 6.5 थी जो कि 2015 में 6 होगी, 0.5 गिर गई, तो यस फॉर 2015 आर जीडीपी डिक्रीजेस। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको सुनेंगे समझेंगे।
क्वेश्चन में बोला गया है ड्यूरिंग अ गिवन ईयर नॉमिनल नेशनल इनकम इज इंक्रीज बाय 14%। नॉमिनल इनकम 14% इंक्रीज हुई है व्हाइल रियल नेशनल इनकम इंक्रीज बाय 6%, जबकि उसी साल के अंदर कंट्री की जो रियल इनकम इंक्रीज हुई है वो 6% इंक्रीज हुई है और पॉपुलेशन में 2% का इंक्रीमेंट आया है। क्वेश्चन हमसे दो पूछे गए हैं, व्हाट हैज कॉज्ड द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल इनकम एंड रियल इनकम, व्हाट इज रियल पर कैपिटा इनकम। इस क्वेश्चन के बेस पे हम देख रहे हैं, हमें जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो इंफॉर्मेशन है कि नॉमिनल इनकम 14% से इंक्रीज हुई है जबकि रियल इनकम में 6% का इंक्रीमेंट आया है। सो अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, हमने ये अभी अभी पढ़ा कि नॉमिनल इनकम दो कारणों से बढ़ती है, या तो प्राइस की वजह से या फिर क्वांटिटी की वजह से, सिर्फ दो ही कारण है। सो कंट्री में जो 14% इनकम इंक्रीज हुई है ये या तो प्राइस की वजह से बड़ी होगी या फिर क्वांटिटी की वजह से, या फिर हो सकता है दोनों की वजह से बड़ी हो। बट सेम ईयर के अंदर रियल जीडीपी 6% से इंक्रीज हुई है। सो रियल जीडीपी क्यों इंक्रीज होती है? रियल जीडीपी में इंक्रीज आने का सिर्फ एक ही कारण होता है, वो है क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर इंक्रीमेंट आना। सो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बचा हुआ 8% सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से इंक्रीज हुआ है ये हमारा इनकम। सो आप देखिए, नॉमिनल इनकम में 14% का इंक्रीज आया जो कि प्राइस की वजह से भी हो सकता है, क्वांटिटी की वजह से भी, बट हमें नहीं पता कि प्राइस या क्वांटिटी। लेकिन अगली स्टेटमेंट में हमें हिंट दे दिया गया कि क्वांटिटी तो 6% ही बढ़ी है, तो यानी कि 14 में से 6 माइनस कर दिया तो बचा हुआ 8% जो है दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस के अंदर इंक्रीमेंट आया है। देन हमें बताया गया व्हाट इज रियल पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम आप जानते हैं कि पर कैपिटा इनकम को निकालने के लिए फॉर्मूला यूज होता है कंट्री की इनकम, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। सो रियल पर कैपिटा इनकम के अंदर कितना इंक्रीज आया इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से अंडरस्टैंड करेंगे। हम एज्यूम कर रहे हैं कि नेशनल इनकम कंट्री का ओरिजिनल 100 रुपीज है और पॉपुलेशन भी 100 पीपल की है। इस लिहाज से कंट्री का पर कैपिटा इनकम नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन करके 1 रुपया हो जाता है, क्योंकि यहां पे हमें बताया है कि कंट्री की नेशनल इनकम रियल जीडीपी के अंदर 6% का इंक्रीमेंट आया, तो 100 से मैंने 106 वैल्यू कर दी और पॉपुलेशन के अंदर 2% का इंक्रीमेंट दिया है, तो ये पॉपुलेशन का काउंट मैंने 100 से 102 कर दिया। अब जब मुझे यहां पे पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करनी है तो मैं नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन 106 डिवाइडेड बाय 102 करता हूं तो मेरी पर कैपिटा इनकम 1.0392 आ जाती है। अब मुझे देखना है कि रियल पर कैपिटा इनकम के अंदर कितना इंक्रीमेंट आया, जो कि पहले 1 थी अब 1.0392 हो गई। परसेंटेज चेंज निकालने के लिए हमने देखा न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू इनटू 100। इस लिहाज से न्यू वैल्यू न्यू पर कैपिटा इनकम माइनस ओल्ड पर कैपिटा इनकम 1 डिवाइडेड बाय ओल्ड पर कैपिटा इनकम 1 इनटू 100, ऐसे कर रहे हैं तो 3.9 या राउंड ऑफ कर दिया 4। सो हम देख रहे हैं कि यहां पे रियल पर कैपिटा इनकम के अंदर 4% का इंक्रीमेंट आया है। सो दोस्तों, दैट वॉज ऑल अबाउट नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।